छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के मार्गदर्शन में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में छात्रों को सिनेमा जगत की गहनता और वास्तविकता को समझाने के लिए दो सत्रों में व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र के मुख्य वक्ता अभिनेता आलोक पोरवाल ने बॉलीवुड टॉक विषय पर छात्रों से वार्ता करते हुए कहा कि सिनेमा जगत में सफलता के लिए वास्तविकता को समझना जरूरी है, तभी आप इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना पाएंगे। वहीं दूसरे सत्र में अजीत चौबे ने राष्ट्रीय फलक पर क्षेत्रीय सिनेमा पर बात करते हुए कहा कि क्षेत्रीय सिनेमा ही वह सिनेमा है जिसने बॉलीवुड को जन्म दिया है। इस कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष योगेंद्र कुमार पांडे के साथ सभी वरिष्ठ शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के दीनदयाल शोध केंद्र में नई शिक्षा नीति 2020 विषय पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन स्टूडेंट काउंसिल के सहयोग से कराया गया। कुल 70 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में पंजीकरण कराया और 3 राउंड में प्रतियोगिता सम्पन्न हुई। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान के लिए कृत्रिम मेधा विषय पर चल रही 7 दिवसीय कार्यशाला में अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ डॉक्टर पवन गुप्ता ने अपना व्याख्यान दिया और बताया कैसे हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में माध्यमिका और बहुलक के सूत्र के उपयोग से अपने अनुसंधानों के परिणामों में बेहतरी ला सकते हैं। कार्यशाला में दूसरे वक्ता मैक्स प्रो एआई के सत्येंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि चैट जीपीटी जैसे एआई अनुसंधान का उपयोग तभी सबसे बेहतर हो पाएगा जब हम उसकी कार्य क्षमता को सही ढंग से समझ पाएंगे। कार्यशाला के आयोजक डॉक्टर अंशु सिंह ने बताया कि सामाजिक विज्ञान से जुड़े शोधार्थियों व छात्र छात्राओं को बहुत ही व्यवहारिक जानकारी प्रयोगात्मक तरीके से दी गई। विश्वविद्यालय में मादक द्रव्य जागरूकता एवं संवेदीकरण कार्यक्रम सीनेट हॉल में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रति कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी, मुख्य वक्ता एडिशनल डायरेक्टर राष्ट्रीय अकादमी सीमा शुक्ल, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स परिसर लखनऊ श्री रजनीकांत मिश्र, कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर नीरज कुमार सिंह, कार्यक्रम अधिकारी NSS यूनिट डॉक्टर प्रवीण कटियार ने दीप प्रज्वलन के साथ की। इस मौके पर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी ने कहा कि कार्यक्रम अत्यधिक प्रासंगिक है, युवा वर्ग को मादक द्रव्यों से दूर रहना चाहिए। मुख्य वक्ता श्री रजनीकांत मिश्र, एडिशनल डायरेक्टर राष्ट्रीय अकादमी सीमा शुक्ल, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स परिसर लखनऊ ने अपने व्याख्यान में कहा कि युवा वर्ग अधिक उम्र का महसूस करने, अच्छा महसूस करने, अलग महसूस करने, सहकर्मी के दबाव तनाव कम करने, उत्साह मनाने, पिछले भावनात्मक व शारीरिक आघातों से बचने के लिए नाले। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षक तथा विद्यार्थीगण एवं NSS की 5 यूनिट के स्वयंसेवक उपस्थित थे।